हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वर्तिका और लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 3 किया सेफ अगेन, उसके एक्सरसाइज मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लास्ट में स्टोरीज भी आपको समझ में आ गई हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से, तो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, लुक एट द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स फॉर हेल्प। ओके, क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपको एक फिलअप भी दिया, आपको उस फिलअप को फिल करना है। बट किसके हेल्प से, बगल में ब्रैकेट्स में एक वर्ड्स भी दिए हैं साइड बाय साइड, उस वर्ड के हेल्प से आप सारे फिलअप को फिल करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। द विंडो वर लिव इन अ होल इन द वॉल ऑफ अ स्कूल वेयर, ब्रैकेट में दिया है वेयर मीन्स इन अ वॉल ऑफ अ स्कूल। ओके, द सेकेंड इज द बेबी बर्ड स्ट्रेच देयर विंग्स एंड डैश, ब्रैकेट में इट्स आस्किंग डू व्हाट, क्या करते थे, दे यूज टू फ्लैप लाइक देयर पेरेंट्स डू। ओके, सो ये आएगा हमारे पहले ब्लैंक में। थर्ड वन, द पेरेंट्स बर्ड ब्रिंग द बेबी बर्ड फूड, ब्लैंक हाउ सून, कब कब उसके पेरेंट्स फूड लेकर आते थे, एज फास्ट एज दे कैन कैच देम, हमने स्टोरी में पढ़ा जैसे उनको मिलता था वो तुरंत लेकर आ जाते थे। द बेबी विंड ओवर डैश द स्ट्रेंज क्रिएचर, क्या करना है इसमें, डज वॉट, क्या करते थे बेबी क्रिएचर, जब कोई स्ट्रेंज क्रिएचर आता था दे यूज टू पैक एंड स्ट्राइक एट देम। ओके, जो भी स्ट्रेंज आता था उनको हिट करते थे ना अपने क्लॉज से, सो दे यूज टू द बेबी विंड ओवर पैक एंड स्ट्राइक विद देयर क्लॉज एट द स्ट्रेंज क्रिएचर। फाइव, द बॉय टेक्स द बेबी विंड ओवर डैश वेयर, ही टेक्स द बेबी विंड ओवर इन टू अ सैक अलॉन्ग विद हिम। ओके, देन द नेक्स्ट इज इन द एंड द बॉय डैश डज वॉट, इन द एंड बॉय क्या करता है, इन द एंड द बॉय पुट्स हिम बैक टू हिज होम। ओके, जहाँ से वो लेकर आता है विंड ओवर को वापस से उसकी जगह रख देता है। ओके, सो ये है हमारा एक्सरसाइज ए, अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी। ओके, दिस इज आंसर दिस क्वेश्चन। आई हियर चिपिंग फ्रॉम द एग क्लोज टू माय ओन ब्रोकन शेल, व्हाट हैपन आफ्टर दिस, आफ्टर दिस क्या होता है, जब उसको आवाज आती है कि एग से कुछ साउंड आ रहा है एंड देन फाइनली द चिक कम्स आउट फ्रॉम दिस शेल, पहले वो थोड़ा नॉक नॉक करते हैं और फिर वो शेल से बाहर आ जाते हैं। ओके, देन वी ग्रो फास्ट, व्हाट दे डू ईट, वो क्या खाते हैं कि वो इतनी तेज से ग्रो करते हैं, जो भी उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं दे यूज टू ईट दैट, तो माइस। ओके, सो दे यूज टू ईट माइस बॉट बाय देयर पेरेंट्स। थर्ड वन, आई एम टेकन फ्रॉम माई होम, Who takes the baby bird away? Baby bird को कौन ले जाता है? A boy. उसी school का एक boy होता है, एक लड़का होता है जो उसको अपने साथ ले जाता है. So a boy takes the baby bird away for himself. अपने लिए लेकर उसको चला जाता है कि इसको मैं अपने पास रखूँगा. Then the fourth one, I throw myself against the bars and fall. Where is the baby bird? फिर last में क्या होता है? वो क्यों बार बार गिर जाती है, शी ट्राइज टू फ्लाई अवे लेकिन नहीं जा पाती है, बार बार फिर उसी जगह पे गिर जाती है। वेयर इज द बेबी बर्ड, शी इज इन बंडल्ड इन टू अ सैक, वो बॉय उसको एक सैक में पैक कर देता है। फिफ्थ वन, आई बिकेम थिन एंड वीक, व्हाई डज द बेबी बर्ड बिकम सो, लास्ट में बेबी बर्ड बहुत थिन हो जाता है, वीक हो जाता है, व्हाई, बिकॉज जो बॉय होता है वो जो भी उसको खाना फीड कर रहा होता है, फूड दे रहा होता है, उसके स्मॉल पीसेस नहीं कर रहा होता है, डायरेक्टली उसको दे देता है, वो बेबी बर्ड तो स्मॉल होता है वो उसको नहीं फिनिश कर पाता है, खा ही नहीं पाता है, इसलिए ही बिकम्स थिन एंड वीक, बिकॉज द बॉय डज नॉट यूज टू मेक द स्मॉल पीसेस ऑफ द फूड एंड ही कैन नॉट ईट इट, हेंस ही बिकेम थिन एंड वीक। देन सिक्स्थ वन, नाउ आई नो आई एम सेफ, हाउ डज द बेबी बर्ड नो इट इज सेफ, बेबी बर्ड को कब लगा कि वो सेफ है, व्हेन ही रियलाइज दैट ही रीच्ड हिज होम, ही इज विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज मॉम इज विथ हिम,
उसके मॉम है, उसके पेरेंट्स है, उसके भाई बहन सब उसके साथ है, वो अपने घर में है, उसकी मम्मा फिर से उसके लिए खाना लेने जाती है. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू रियलाइज दैट ही इज़ सेफ. ओके, सो हियर वी आर डन विद द एक्सरसाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.